सहयोगी मंत्री भुक्ता जी, भू राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित आज इस सो मोटो म्यूटेशन के से लाभ लिए सभी जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई है जमीन की, तो सभी सदस्यगण और यहां उपस्थित सभी जिला के पदाधिकारीगण, आप सबका आज के इस शुभ अवसर पर मैं स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, जमीन का जो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर म्यूटेशन होता है, फिर रसीदें कटती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं रजिस्ट्री करने के बाद भी, फिर रजिस्टर टू में इसका मेंशन होता है, कई जगहों पर ये रिकॉर्ड मेंटेन्स होते हैं और ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं जटिल सी बनी हुई है। और ये प्रयास सरकार का रहा है कि इस बार थोड़ा जितने भी हमारे आम नागरिक हैं उनको क्या बेहतर और सरल तरीके से इनका काम हो सके, इस पर सरकार काफी लगातार काम कर रही है। इस दिशा में आज हम लोगों ने बिना कुछ परेशानी उठाए कोई भी व्यक्ति जमीन का निबंधन कराने के बाद की जो प्रक्रिया है, म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो आपका स्वतः म्यूटेशन हो जाएगा। इसका एक हम लोगों ने आज इस योजना का शुभारंभ किया है। सभी जिला उपायुक्त, सभी पदाधिकारी गण, संबंधित आप लोगों से ये आग्रह होगा कि चूंकि आज पहली बार हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, हो सकता है कहीं कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग कम से कम इसको 15-20 दिन रेगुलर मॉनिटरिंग में रखें और जो आम नागरिक हैं उनको इस समस्या से ना जूझे और उनका समाधान जितना जल्दी हो सके आप लोग करने का प्रयास करें। और जो भी इसमें समस्या हो वो आप अगर स्थानीय स्तर पर है तो उसको अपने स्तर पर देखें, अगर वो बड़े पैमाने यहाँ से के स्तर पर उसकी समस्या है तो उसका तुरंत उसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। और इसके पीछे बिल्कुल अभी एक ट्रांसपेरेंट तरीका होगा, जहां कोई बहुत सारे बिचौलिया भी, आपको मालूम ही है कि कोर्ट ये सब कचहरियों में काफी सारे बिचौलिया खड़े रहते हैं और लोगों को पैसे ऐंठने का काम करते हैं, इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और लोगों को मुसीबत भी नहीं हो। अभी हम चूंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे काफी बदलाव भी होगा, आने वाला समय में हम लोग कुछ इस तरीके के भी कार्यक्रम बनाएंगे जहां ओल्ड एज पर्सन को इन सब कचहरियों का चक्कर ही ना काटना पड़े। जो 60 साल 70 साल के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, इनको भी हम लोग कैसे और बेहतर सुविधा दें, इस पर भी हमारी चिंताएं हैं और मुझे लगता है कि इस विषय पर भी हम लोग बहुत जल्द आप लोग के समक्ष कुछ समाधान लेके आएंगे। तो अभी जो इसकी प्रक्रिया है, आप निबंधन कराते हैं, निबंधन का एक आपका एसएमएस आपके मोबाइल पे आएगा और
निबंधन होने के बाद भी आपको जो नंबर प्राप्त होगा निबंधित नंबर उसका भी SMS आपको आना है। और थोड़ा सा इस विषय को लेकर सिर्फ कचहरी तक ही सीमित ना रहे, इसके भी कुछ आप सब लोग, मैं विभाग कहूंगा कि आप सब लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका एक प्रचार प्रसार भी आप लोगों से कराएं, ताकि लोगों को भी इस बात की जानकारी मिले। नहीं तो कई ऐसे जगह है जहां लोग को ये कुछ पता भी नहीं चलता, इस बीच में भी कई बिचौलियां काफी सक्रिय रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। तो इसलिए इसका थोड़ा प्रचार प्रसार बहुत सरल तरीके से भी आप लोग करें, ताकि आम नागरिकों को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस